मिनट में भारत रिपब्लिक के पास राजकोट हादसे का एक्सक्लूसिव वीडियो है। वीडियो में दिख रही है गेमिंग जोन के अंदर लगी भीषण आग। आग लगते ही नजर आया अफरा तफरी का माहौल। राजकोट हादसे के पीड़ितों से मिले सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात गृह मंत्री हर्ष सांघवी। घायलों से जाना हाल, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजकोट हादसे को लेकर एक्शन में राज्य सरकार। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल पर पहुंचकर लिया जायजा। राजकोट में हादसे वाली जगह पहुंचे गृह मंत्री हर्ष सांघवी। अधिकारियों से ली घटना की जानकारी। घटना वाली जगह का निरीक्षण किया। गेमिंग जोन हादसे के बाद मलबा हटाए जाने का काम जारी है। स्थिति पर बड़े अधिकारियों की भी नजर है। गेमिंग जोन हादसे को लेकर जांच तेज। संचालक मालिक समेत अब तक चार की गिरफ्तारी। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। राजकोट हादसे में नया खुलासा। 3 मंजिला गेम जोन में सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट गेट था। इमारत के लिए सिर्फ टिनशेड का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बच्चों के अस्पताल में आग लगी। हादसे में 7 बच्चों की मौत, कई की हालत गंभीर। 12 नवजात बच्चों का रेस्क्यू। दिल्ली के शाहदरा में एक इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे के दौरान बिल्डिंग में फंसे 13 लोगों का रेस्क्यू हुआ। यूपी के बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। आग लगने की वजह से आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हुई। यूपी के मैनपुरी में सड़क दुर्घटना में हुई पूर्व प्रधान की मौत को लेकर परिजनों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। हत्या की धाराओं में मामला दर्ज न होने पर परिजनों ने प्रदर्शन किया। यूपी के बहराइच में बाइक सवार पिता और बेटे को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में बेटे की मौत हुई, पिता गंभीर रूप से घायल हुआ। दिखा रहे हैं उसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि पेरेंट्स किस तरीके से पैनिक कर रहे हैं। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे अंदर हैं और सामने आग की लपटें आपको साफ तौर पर नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, स्पॉट का जायजा लिया, विक्टिम से वो लोग मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये पुलिस सिक्योरिटी का पूरा घेरा यहाँ पर देख रहे हैं। सामने जो आप इमारत देख रहे हैं, दरअसल ये मॉर्चरी है, यहीं पर ही पोस्टमार्टम होना है। जिन 27 लोगों की इसमें जान गई है, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, आप देखेंगे कि मजिस्ट्रेट जो एडिशनल मजिस्ट्रेट है वो भी यहां पर है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देखते हुए जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लेकर एसआईटी जो है वो बना दी गई है। रजिस्टर्ड मजिस्ट्रेट सर, क्या कुछ रहा सर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में? कितनी लोगों की मौत? कितना समय थियो? परिवार जनों ने लाश उठाती है सर। सर कितने लोगों की? सर अभी तक ऑफिशियली क्या काम आते हैं? काम आते हैं साहब, तुम्हें जवाब नहीं आता साहब। कारण सुनो, आप परिवार जनों ने नहीं, लास्ट कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पोस्टमार्टम हुआ क्या सर अभी? पुलिस में आकर कर रही है सर। गलती किसकी है? तो आप ये देखेंगे कि ये जो एडिशनल मजिस्ट्रेट है राजकोट के, वो भी मॉर्चरी पहुंचे हैं। हमने कई सवाल उनसे पूछने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की है। हालांकि सिक्योरिटी रोक रही है बात करने के लिए, लेकिन एक बड़ा हादसा इस लिहाज से भी क्योंकि 27 लोगों की मौत हुई है। आप समझिए कि 15 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ पर जहाँ मॉर्चरी में खड़े हुए, यहाँ पर पोस्टमार्टम होना है। डीएनए सैंपल पेरेंट्स के लिए गए। कल जो ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और कई सारे फैक्टर्स हैं कि आखिर जनरेटर में 1500 लीटर डीजल था। एग्जिट के लिए बस एक ही गेट था। लेकिन इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जतिन।